हेलो मित्रों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। इस समय हम शिवपुरी में हैं और पहुंचे हुए हैं ब्लू हेवन रिसॉर्ट। इस वीडियो में हम आपको ब्लू हेवन रिसॉर्ट के बारे में पूरी जानकारी देंगे। यहां बताएंगे आप कैसे आ सकते हैं, टैरिफ कितना है और क्या क्या फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड कराते हैं, सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो आइए हमारे साथ घूमिए शिवपुरी के ब्लू हेवन रिसॉर्ट में। शिवपुरी का एक बहुत ही खूबसूरत रिसॉर्ट ब्लू हेवन रिसॉर्ट, इसको हम इस वीडियो में आपको दिखाते हैं पूरा। ये इनकी पार्किंग है, यहाँ पे अपनी बाइक कार आप लगा सकते हैं और फिर शुरू होता है इनका पूरा कैंप का एरिया। सामने ये ब्लू हेवन रिसॉर्ट का ऑफिस, ये है वाटर पूल इनका। और अंदर की तरफ चलते हैं, पूरा कैंप आपको हम दिखाते हैं। ये है इनका ऑफिस, अभी बात बाद में कर लेंगे, पहले दिखाते हैं। ये ब्रेकफास्ट का टाइमिंग, दोपहर के खाने का, स्नैक्स का और डिनर का सारा कुछ इसमें दिया गया है। सारा कुछ टाइम टू टाइम ही होता है। और लेफ्ट हैंड पे जब आप नीचे उतरते हैं तो इनके कैंप स्टार्ट हो जाते हैं, जो काफ़ी दूर तक कैंप नंबर 1 के पास इस समय हम हैं। और बहुत ही खूबसूरत ये भी कैंप है, ब्लू हेवन कैंप्स, ब्लू हेवन रिसॉर्ट के अंदर दो स्टेप में भी हैं। हम ऊपर वाले स्टेप में हैं, उसके बाद में हम नीचे का जो इनका कैंप है एरिया वो दिखाएंगे। इसमें भी जो अदर एक्टिविटीज़ हैं वो कर सकते हैं आप। कैंप इसमें भी खूबसूरत हैं, नेचर के पास में है, बहुत ही बढ़िया कैंप। अभी कैंप के अंदर दिखाएंगे कि इनकी बेडिंग अंदर कैसी है, पूरा सेटिंग कैसा है, सारा कुछ दिखाएंगे। शिवपुरी कैंपिंग के लिए फेमस है, आप यहाँ पे वाटर राफ्टिंग सब कुछ कर सकते हैं। ब्लू हेवन रिसॉर्ट ऊपर इनके टोटल 14 कैंप हैं और उसके बाद में ये नीचे के कैंप। पहले हम ऊपर का पूरा फुल व्यू आपको हम दिखा देते हैं, फिर चलते हैं आपको नीचे का कैंप दिखाते हैं और इनका जो कैंप का अंदर का एरिया है वो पूरा दिखा देते हैं। यहाँ से आप पूरा बाहर का जो दृश्य है देखिए कितना खूबसूरत है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगता है। और रात में जो इसका पूरा व्यू होता है, नाइट व्यू, वो बहुत ही अच्छा रहता है। अगर आप कैंपिंग के शौकीन हैं, एकांत में रहना चाहते हैं और कुछ अलग सा अनुभव लेने के लिए आप कैंप में रह सकते हैं, रुक सकते हैं और यहाँ का आनंद उठा सकते हैं। हमारे मित्र लोग भी आए हुए हैं, हम लोग तो फिलहाल शिवोम कैंप में रुके हुए हैं, लेकिन हमने सोचा कि आपको ये भी कैंप दिखा देते हैं। बहुत ही खूबसूरत बाहर बैठने का एरिया है पूरा, ये जहाँ पे हम चल रहे हैं यही एरिया। चूँकि इस समय ऑफ सीजन है इसलिए यहाँ पे टूरिस्ट आपको नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन एक समय में एक कैंप में लगभग 200 से 250 लोग तक रुक सकते हैं। बहुत बड़ा एरिया है इनके पास भी, कैंटीन दोनों लोगों की एक ही जगह पे है, वो भी हम आपको दिखाएंगे इसमें। ब्लू हेवन रिसॉर्ट शिवोम कैंप से थोड़ा सा महंगा है, इसमें पर पर्सन 1500 रुपये का चार्ज है और 4 बेड चेयर इसमें भी हैं। हमारे मित्र लोग यहाँ बैठे हुए धूप ले रहे हैं। नीचे इनका डीजे लगा हुआ। ब्लू हेवन रिसॉर्ट का एक टेंट नंबर 3 है जिसको हम आपको दिखाते हैं अंदर से कि कैसा है, इन्होंने बेडिंग कैसी दे रखी है। तो ये सारा कुछ जिप पे है, जिप से क्लोज हो जाता है और अब हम अंदर आ चुके हैं। यहाँ भी डबल बेड 2 लगे हुए हैं जिस पे इन्होंने ब्लैंकेट दिए हैं। 4 लोग के रुकने के लिए स्पेस सफिशियंट है। जैसे अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कुछ वैसा ही, इसमें भी कपड़े की खिड़कियां दोनों तरफ दी गई हैं, कूलर दिया गया है और वॉशरूम भी अंदर है। वॉशरूम आपको हम दिखाते हैं, ये है इनका वॉशरूम।
ये देखिए मोड़ दिया है, इसमें थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा है, नहाने के लिए भी है, और गर्म पानी ये बाहर से प्रोवाइड करते हैं। तो यदि आप शिवपुरी में कैंप में स्टे करना चाहते हैं तो ब्लू हेवन रिसॉर्ट को भी आप प्राथमिकता दे सकते हैं, ये भी साफ़ सुथरे और अच्छे कैंप हैं। चलते हैं, आपको हम नीचे का पूरा व्यू दिखाते हैं। ब्लू हेवन कैंप का जो नीचे के स्टेप में सारे कैंप हैं वो दिखा देते हैं। डॉक्टर साहब हमारे चेयर पर बैठे हुए पिक्चर क्लिक करवा रहे हैं। विनीत जी अच्छी पिक्चर लीजिएगा डॉक्टर साहब की। अब हम नीचे के स्टेप पे आ चुके हैं और ये भी ब्लू हेवन की ही प्रॉपर्टी है। ये डीजे लगा हुआ रात्रि के समय में बहुत ही बढ़िया लगता है, लाइट म्यूज़िक रहती है और लोग यहीं पर डांस करते हैं। आप यहाँ पे बैठ करके एंजॉय भी कर सकते हैं और यहाँ से व्यू बहुत ही प्यारे आ रहे हैं। आप एक्टिविटी के लिए नीचे जा सकते हैं, फूडिंग के लिए नीचे जा सकते हैं। ये सारे कैंप हैं इसमें, और टोटल जो ब्लू हेवन रिसॉर्ट है इनके पास 25 कैंप हैं। आपने 15 ऊपर देखे और बाकी ये नीचे के कैंप हैं। ओपन एरिया इसमें भी अच्छा है, जब आप आएँ तो बाहर बैठ सकते हैं, धूप ले सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं यहाँ पे, और जो ये नेचर व्यू हैं इनको आप इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए हम आपको पूरा लेफ़्ट टू राइट फुल व्यू दिखा देते हैं यहाँ का। ब्लू हेवन रिसॉर्ट पहुँचना बहुत ही आसान है। यदि आप ऋषिकेश पहुँच गए हैं तो आप वहाँ से स्कूटी या बाइक रेंट पे ले करके यहाँ पर कैंपिंग में आ सकते हैं। साथ ही यदि आपको लंबे समय तक रुकना है तो आप प्राइवेट टैक्सी का सहारा लेकर आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपलब्ध नहीं है, आपको अपना साधन लेकर ही यहाँ पर आना होगा। ये हमारा कैंप में रुकने का पहला अनुभव है, इसमें हम लोग रुके हुए हैं। जब गैदरिंग रहती है तब ये कैंप्स और अच्छे रहते हैं, जो कि जब लोग रहते हैं तो सारी चीज़ें अच्छी रहती हैं। ये दोनों स्टेप आपको यहाँ से दिख रहे होंगे, ये नीचे का और वो ऊपर का। स्पेस लगभग बराबर ही है, जितना नीचे उतना ही ऊपर, और यहाँ भी अदर एक्टिविटीज़ आप अगर करना चाहते हैं तो इसमें कर सकते हैं। फिलहाल लोग नहीं हैं तो लोगों ने अपने कपड़े यहाँ पर डाल रखे हैं इसके ऊपर, और हमारे मित्र अजय सिंह जी बैठे हुए हैं आराम से झूले में झूल रहे हैं, ये देखिए। और यहाँ पे रात में आप बोनफायर का भी आनंद ले सकते हैं, ये बोनफायर के लिए ही हैं, ये ड्रम रखे हुए हैं, इसी में ये रात को आराम से आग जलाते हैं। साइड में म्यूजिक चलती है, इस पे आप डांस करते हुए आराम से मस्ती कर सकते हैं। और हमने आपको उनका पूल दिखाया ही, कितना खूबसूरत, कितना बढ़िया, कितना अच्छा। एक बार फिर से आप पूरे रिसॉर्ट का आनंद लीजिए। जो कुछ भी है यहाँ पे वो सब कुछ टाइम से ही होता है, टाइम टू टाइम ब्रेकफास्ट, लंच, टी, स्नैक्स और डिनर। आप सभी से एक अपील, नेचर को क्लीन एंड ग्रीन बनाए रखने में मदद करें, सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। मित्रों, आपको हमारा ये ब्लू हेवन रिसॉर्ट का वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में अवश्य बताइएगा। यदि कोई सुझाव हो तो उसे भी अवगत कराइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे भविष्य में आने वाली वीडियोज़ आपको प्राप्त होती रहें और हमारे मनोबल में वृद्धि हो। मित्रों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम आपसे अब अगले वीडियो में वशिष्ठ गुफा आश्रम के साथ। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा आगे, तो आप सभी चैनल से जुड़े रहिएगा। अब हम आपसे यहाँ विदा लेते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।